आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑटो एग्जामिनर में। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम ड्रम टाइप। तो ब्रेक एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी गतिमान वस्तु की गति को आसानी से कम कर सकता है या रोक सकता है। इसमें घर्षण के माध्यम से गति को कम किया जाता है या रोका जाता है। अब नीचे फिगर में देखिए, मैकेनिकल ब्रेक के कुछ पार्ट्स के बारे में दिखाया गया है और रेड एरो से उसे प्रॉपर दिखाया गया है कि कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं। तो पहले फिगर में आप देख सकते हैं ब्रेक ड्रम विद व्हील हब दिखाया गया है। सेकंड फिगर में ब्रेक शू, एंकर पिन, कैम, रिट्रैक्टिव स्प्रिंग, मेन एक्सल और ब्रेक अलाइनिंग को दिखाया गया है। थर्ड फिगर में व्हील कंप्लीट दिखाया गया है। जो पार्ट्स मैंने आपको अभी बताए हैं सेम उसी को मैंने ड्रॉ कर दिया है, ड्रॉ करके प्रॉपर नाम लिख दिया है ताकि अगर आप कहीं ड्रॉ करना चाहते हैं या प्रॉपर तरीके से उसे समझना चाहते हैं तो आप कहीं भी उसे नोट डाउन करके लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम ड्रम टाइप के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रेक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो ब्रेक का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो कई ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें गाड़ी को स्लो करना पड़ता है या फिर रोकना पड़ता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, अपनी आवश्यकता अनुसार गाड़ी को धीमा करने या रोकने के लिए ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, या प्रयोग किया जाता है। अब मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम ड्रम टाइप जो होता है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार ब्रेक पैडल या ब्रेक लीवर को दबाते हैं। उसके बाद ब्रेक पैडल या ब्रेक लीवर को जब हम दबाते हैं तो उसके साथ ब्रेक रॉड या ब्रेक वायर अटैच होगी। तो जैसे ही हम ब्रेक पैडल या ब्रेक लीवर को दबाएंगे तो ब्रेक रॉड और ब्रेक वायर दोनों में से जो भी लगी होगी वो खींचेगी। उसके खींचने की वजह से उसके साथ क्या होता है, केम लीवर आपका अटैच होता है। तो केम लीवर खींचेगा और केम लीवर किससे अटैच होता है, आपका कैम के साथ। तो क्या होगा, कैम मूव करेगी और कैम के ऊपर ब्रेक शू लगे रहते हैं तो ब्रेक शू बाहर की तरफ फैलेंगे और चलते हुए ड्रम को पकड़ लेंगे, जिसके कारण हमारी गाड़ी जितना भी हमने प्रेशर लगा रखा है ब्रेक पैडल या लीवर के ऊपर उसके अकॉर्डिंग धीमी हो जाएगी या फिर रुक जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम ब्रेक पैडल से पैर हटाएंगे तो क्या होगा, जो पीछे की जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं, ब्रेक वायर हो, ब्रेक रॉड हो, कैम लीवर हो, कैम हो, ठीक है, इन सब पे से क्या होगा, दबाव हट जाएगा। जैसे ही दबाव हटेगा तो क्या होगा, रिट्रैक्टिव स्प्रिंग अपना काम करेगी और ब्रेक शू को अंदर की तरफ खींच लेगी, जिसकी वजह से ब्रेक शू अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, व्हील जो है फ्री मूव हो जाएगा। व्हील फ्री मूव होते ही गाड़ी अपने आप आगे की तरफ चल पड़ेगी। तो चलिए जो वर्किंग अभी हमने पढ़ी है उस वर्किंग को इस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए ब्रेक रोड बनी हुई है। ब्रेक रोड क्या होता है ना कि ब्रेक पैडल से अटैच होती है, तो ब्रेक पैडल जैसे ही दबाएंगे ब्रेक रोड खींचेगी। अब ब्रेक रोड खींचने से क्या होगा, देखिए केम लीवर उसके साथ अटैच है तो केम लीवर खींचेगा। केम लीवर के साथ आपका कैम लगा हुआ है तो कैम भी मूव करेगा। कैम मूव करेगा तो ब्रेक शू को बाहर की तरफ फैलाएगा। अब देखिए इस फिगर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फिगर है इसके अंदर, इसमें देखिए जो कैम है एकदम सीधी है, इसका मतलब कि इस समय ब्रेक नहीं लगी हुई है। अब दूसरे वाले फिगर में देखिए, इसके ऊपर जैसे हम ब्रेक पैडल को दबाया है उसके बाद क्या हुआ, ब्रेक की रॉड खींची है, कैम लीवर मूव किया है, उसके बाद कैम मूव किया है और ब्रेक शू को बाहर की तरफ फैला दिया है। अब इसके ऊपर ड्रम लगा होता है तो क्या होगा, जब ब्रेक शू बाहर की तरफ फैलेंगे तो चलते हुए ड्रम को रोक लेंगे। जैसे ही चलते हुए ड्रम को रोकेंगे तो व्हील तो उसी के साथ अटैच है तो हमारी गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम ब्रेक पैडल से पैर हटाएंगे तो क्या होगा, जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं हमारे, जैसे कि आपका कैम लीवर अभी मूव हुआ था, ब्रेक रॉड मूव हुई थी, कैम मूव हुई थी, वो सारा अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे वापस आ जाएगा। उसके बाद जो रिट्रैक्टिव स्प्रिंग है वो क्या करेगा, अपना काम करेगा और दोनों ब्रेक शू को अंदर की तरफ खींच लेगा और ड्रम फ्री हो जाएगा। अब ड्रम फ्री हो जाएगा, गाड़ी हमारी चल जाएगी। ओके, इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये नॉलेज बाकी लोगों तक भी पहुँच सके और आप लोग अपना प्यार ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी नॉलेज वाली वीडियो आगे लेके आता रहूं। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।